अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहसिन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज फिर एक और वीडियो लाया हूँ। आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि मैंने किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मेरी आवाज़ का थोड़ा मसला था, इसीलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको मुकम्मल डिटेल बताने लगा। तो फ्रेंड, हमारे पास ये यूट्यूब का एक एरर शो हो रहा है, जिसका अपडेट कुछ ही दिन पहले हुआ है। तो फ्रेंड, ये सिंपल ही एरर है, इसकी कोई मसला वगैरह नहीं है। तो ये यूट्यूब का कहना है कि ये एरर इसलिए शो हो रहा है कि आप अपनी वीडियो को कुछ दिनों के लिए प्राइवेट करके पब्लिक करें। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को कुछ दिन के लिए प्राइवेट करके पब्लिक करें, जो आप डायरेक्ट ही पब्लिक पर क्लिक करके नहीं कर सकते। ये यूट्यूब का कहना है, ये हर किसी के पास ये शो हो रहा है। फ्रेंड, ये कुछ ही दिन के लिए अपडेट है यूट्यूब की, वो कुछ सेटिंगें वगैरह कर रहे हैं जिससे हमें ये मैसेज शो हो रहा है। तो फ्रेंड, मैं एक वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, तो इसमें आपको मुकम्मल डिटेल भी बता देता हूँ किस तरह की जाती है। वीडियो अपलोड करने वाला पेज हमारे पास शो हो चुका है। फ्रेंड, यहाँ पर हम किस तरह वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ मुकम्मल डिटेल। आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें। तो फ्रेंड, हम पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं चार ऑप्शन। पहला है पब्लिक, दूसरा है अनलिस्ट, तीसरा है प्राइवेट और चौथा है शेड्यूल। तो फ्रेंड, ये शेड्यूल क्या ऑप्शन है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अपनी वीडियो को, एक ही वीडियो को बार बार YouTube पर अपलोड करते हो तो उसे हम शेड्यूल कहते हैं। मतलब एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करना, हल्की हल्की चेंजिंग करके, उसे शेड्यूल कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है प्राइवेट। प्राइवेट होता है कि हम अपने हदूद तक वीडियो को रखें, वीडियो अपलोड करें और वो हमारे पास ही शो हो और किसी के पास ना शो हो। ये प्राइवेट का चक्कर है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये इसके बाद आ जाता है अनलिस्ट। फ्रेंड, अनलिस्ट करके पब्लिक वीडियो को हम अपलोड करते हैं, मगर ना वो YouTube के पास जाती है और ना ही आपकी पब्लिक के पास जाती है, ये सिर्फ़ आपके अकाउंट में शो रहती है। तो फ्रेंड, ये अनलिस्ट भी काफ़ी है, जो अचानक में वीडियो को अपलोड करने पर भी चैनल को मसला कर सकता है। तो फ्रेंड, आप अनलिस्ट करके कभी भी वीडियो ना अपलोड करें, ये मेरा कहना है, क्योंकि प्राइवेट आप करेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ भी चला जाएगा। इसके बाद आ जाता है पब्लिक। तो फ्रेंड, आप जैसे ही पब्लिक पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड करते हो तो आपकी ऑटोमेटिक पब्लिक में वीडियो रिव्यू करना स्टार्ट कर देती है। मैं भी पब्लिक पर ही वीडियो को अपलोड करता था, तो ये मुझे मैसेज आने लग गया है, जिसकी वजह से मैंने भी प्राइवेट वीडियो करके अपलोड करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड, ये पब्लिक, मैं अभी वीडियो आपको पब्लिक करके दिखा देता हूँ। एक मैंने ये इसीलिए रखी थी। तो फ्रेंड, हम वीडियो को पब्लिक करते हैं। आप जो भी वीडियो अपलोड करें, ये मैंने अपलोड करनी थी, इसीलिए मैंने वीडियो भी बना दी है और आपको गाइड भी करना था। तो फ्रेंड, हम ये वीडियो को सिलेक्ट करके वीडियो को पब्लिक पर शुरू कर देते हैं अपलोड करना। ठीक है, यहाँ पर आपका पब्लिक भी नज़र आ रहा था। इसके बाद हम अपने टैग वगैरह भी दे देते हैं, जो आपके टैग वगैरह हो, टिफ करेक्शन हो, ये भी ज़रूर दिया करो। ये हमारी वीडियो को काफ़ी हद तक पॉपुलर कर सकती है। तो ये टैग भी हमारी वीडियो को रेंटिंग में ला देते हैं, और ये टिफ करेक्शन भी हमारी वीडियो को काफ़ी रेंटिंग में ला देते हैं। तो आप टिफ करेक्शन भी दें और टैग भी ज़रूर दें। तो फ्रेंड, ये मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ, आपको मैंने आज शो भी कर दिया है जो जो मैं वीडियो में शो यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड, हमने थंबनेल भी लगा दिया है नीचे। इसके बाद हम जिस मैंने वेबसाइट के बारे में बताया था, इसके बाद फ्रेंड आप सिंपली ये यूट्यूब आपकी वीडियो को यहाँ पर 95% पर आपकी वीडियो को चेक करता है। चेक करने से मुराद आपकी वीडियो किसी और के पास या आपने किसी की वीडियो यूज़ तो नहीं कर रहे, ये चेक किया जाता है यहाँ पर जब आपके पास शो हो रही है। तो आपका ये थंबनेल भी लग चुका है और ये हमारी वीडियो भी
पब्लिक होने लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दो। तो फ्रेंड ये यूट्यूब ने हमारी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, अब हम पब्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड सिंपली आपने अब अपनी वीडियो को पब्लिक पर क्लिक कर देना है और हमारी पब्लिक ही होने के बाद यहाँ पर एक एरर शो हो चुका है। ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि आप अब कुछ दिन के लिए अपनी वीडियो को पब्लिक ना करें, अपनी वीडियो को प्राइवेट ही करके पब्लिक करें। तो फ्रेंड ये भी यूट्यूब की कंडीशन है, जो न्यू अपडेट आई है ये बस कुछ दिनों के लिए रहती है, मुकम्मल नहीं रहती। तो आप दोबारा हमारे वीडियो को प्राइवेट कर दें। ये वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ, तो फ्रेंड उसमें सिर्फ आवाज़ का मसला था, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई है। आप प्राइवेट करके दोबारा सेव चेंज पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड ये हमारी वीडियो हो चुकी है प्राइवेट, अब हम जाकर इसे दोबारा पब्लिक पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने एक दफ़ा रीलोड किया है, ये आप मेरी नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई हुई है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर भी प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं, मगर एक और तरीका है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, तो एडिट पर क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड यहाँ से हम सिंपली अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और हमने वीडियो को कर दिया है पब्लिक। इसके बाद अगर आपने एंड स्क्रीन और कार्ड भी लगाना होता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड हम एक दफ़ा रीलोड, यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं एंड स्क्रीन और कार्ड्स। तो फ्रेंड यहाँ से आप कर सकते हैं पब्लिक, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप पब्लिक पर क्लिक करके सेव चेंज पर क्लिक कर दें, वीडियो पब्लिक होना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने वीडियो मैनेजर में वापसी आ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दफ़ा रीलोड करें, अभी प्राइवेट है हमारी वीडियो, हम जैसे ही एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बस मेरा ये दोबारा मकसद यही था कि मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड आज की वीडियो तो इतनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।